आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने जनपद को किया अनलॉक। बाजारों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की दी गई छूट। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। शनिवार तथा रविवार को रहेगा साप्ताहिक बंदी। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। जनपद को अनलॉक होने पर खुली महानगर की दुकानें। दुकानदारों ने सरकार का जताया आभार। एडीएम सिटी ने कहा कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ही खुले दुकानें, बरते सावधानी। शाहपुर थाना क्षेत्र के एचएन सिंह चौराहे पर स्थित हिस्ट्री सीटर रणधीर सिंह के रुद्रा होटल 3 मंजिला मकान, दुकान और जमीन को मंगलवार को प्रशासन ने किया जब्त। जब्त संपत्ति की कीमत 60 से 70 करोड़। तहसीलदार सदर ने कहा डीएम के आदेश पर की गई है कार्यवाही। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक को पेड़ में बांध कर मारने का वीडियो हुआ वायरल। एसपी नॉर्थ ने कहा मुकदमा हुआ दर्ज, आरोपियों को चिन्हित कर की जाएगी विधिक कार्यवाही। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अस्पतालों एवं सीएससी पीएससी पर लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा। अधूरे कार्यों को 10 दिनों में पूरा करने के दिए निर्देश। थाना क्षेत्र में युवती का घर में की गई गला कसकर हत्या। पुलिस ऑनर किलिंग सहित 3 बिंदुओं पर कर रही है तफ्तीश। एसपी सिटी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। स्वास्थ्य विभाग की 101 आरआर टीम द्वारा घर घर जाकर कोविड मरीजों को सलाह देने के साथ दिया जा रहा है मेडिकल किट। सीएमओ ने कहा अब तक 1,10,000 वितरित किया जा चुका है मेडिकल किट। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले एक शातिर अभियुक्त अली शाह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कोरोना संक्रमण की घटी रफ्तार। कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में मरीजों के फोन आने का सिलसिला हुआ कम। एडीएम सिटी ने कहा बरते सावधानी, रहें सुरक्षित। गुलहरिया थाना क्षेत्र में पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक ने प्रेमी का गला रेत कर हत्या का किया प्रयास। प्रेमी की हालत गंभीर। आला कत्ल के साथ गुलहरिया पुलिस ने मात्र 4 घंटे में आरोपित युवक को किया गिरफ्तार। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला उप सूचना स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा कलेक्ट्रेट स्थित कोविड कंट्रोल रूम से होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की निगरानी के साथ उन्हें स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा है उत्साहित। गंगोत्री देवी कॉलेज व एक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में कॉलेज में शुरू किया गया वैक्सीनेशन कैंप। 45 साल से ऊपर के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर कराया टीकाकरण। प्रदेश सरकार के निर्देश पर महिलाओं के टीकाकरण के लिए बनाए गए पिंक बूथ पर दूसरे दिन भी महिलाओं ने कराया वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा पिंक बूथ पर सिर्फ महिलाओं का होगा वैक्सीनेशन। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की भी नहीं हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,067। अब तक 784 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 590 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सेवा सत्याग्रह के तहत कोरोना से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों में मेडिसिन किट का किया वितरण। कहा कोरोना के खात्मे तक चलेगा कांग्रेस का अभियान। मंगलवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 68 बूथों पर 9,891 लोगों ने कराया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा लगवाएं जीत का टीका। और अनलॉक के बाद जहां दिन में खुली महानगर में कुछ दुकानें तो वहीं शाम को 7 बजते ही लागू किया गया रात्रि कोरोना कर्फ्यू। एसपी सिटी ने कहा नाइट कर्फ्यू का पालन करें लोग, जिससे कोरोना संक्रमण पर लग सके लगाम।